हाय केप्रिकॉन, केप्रिकॉन मैं आप लोगों के लिए दो टैरो कार्ड्स और एक एंजल मैसेज पुल आउट कर रही हूँ। केप्रिकॉन, देखते हैं ये हफ्ते टैरो और एंजल्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। एक टैरो, एक एंजल मैसेज के बदले आपके लिए दो एंजल मैसेज आ गए हैं। वी आर गोइंग टू एक्नॉलेज बोथ ऑफ देम। आई फील यूनिवर्स रियली वॉन्ट यू, एंजल्स रियली वॉन्ट यू टू हियर बोथ द मैसेजेस टूडे। सो इट इज अलॉट दैट यूनिवर्स एंड एंजल्स हैव टू ऑफर यू टूडे। जो सबसे पहला कार्ड आया ना केप्रिकॉन, मुझे ऐसे लगता है इट्स टाइम यू स्पीक अप। बहुत टाइम से कोई चीज़ दिमाग में लेके बैठे हो, सोच रहे हो कि यार बात करें नहीं करें, कैसे करें, कर भी लें तो उसका नतीजा क्या होगा, ऑल ऑफ दैट। तो मल्टीपल, जिसको हम कहते हैं ना, मल्टीपल थॉट्स चल रहे हुए हैं ये हफ्ते 16 to 22 January वाले हफ्ते में, जहाँ ऐसे लग रहा है बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस, बहुत सारी नेगेटिविटी आई हुई है। इट्स टाइम यू स्पीक अप, ये कार्ड लिटरली आपको यही बोल रहे हैं। कोई भी चीज़ से हेजिटेट मत हो। ये आई फील रिजल्ट्स का जो अटैचमेंट है ना, वो निकाल दीजिए अपने दिमाग से। कोई भी चीज़ का अटैचमेंट इस हफ्ते आपके लिए सही नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स बता रहे हैं एट द एंड ऑफ द डे यू विल फील द डॉट्स आर बींग कनेक्टेड। एट द एंड ऑफ द डे यू विल फील, यू नो, जहाँ पर आपको जो चीज़ की जरूरत, जो चीज़ की आपको सहायता थी, वो आपको मिलेगा। वर्ल्ड बता रहा है, मतलब डॉट्स कनेक्ट होंगे, आपका जो आखिरी नतीजा है, जिसको हम ना एंड पॉइंट, वो एंड पॉइंट आप जरूर पहुंचोगे। साथ ही साथ ये बता रहा है यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, यूनिवर्स आपको सेफगार्ड कर रहे हैं। तो आपको इस हफ्ते बिल्कुल भी डरना और घबराना तो है ही नहीं। यू नो, यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड मेक श्योर कि अपनी जो कैपेबिलिटीज है ना, आप उस पर डाउट मत करें, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो कैपेबिलिटीज पे डाउट करना है ना, वो चालू हो चुका है इस हफ्ते। जैसे ये बार बार टैरो भी आपको ये बता रहे हैं, एंजल्स भी आपको ये बता रहे हैं, ब्रेकिंग फ्री, अपने आगे जो बाउंड्रीज बना के रखी है, ओ माय गॉड, वो बाउंड्रीज को रिलीज करिए, लेट गो कीजिए। नो दैट यूनिवर्स हैज सो मच टू ऑफर यू, नो दैट देयर इज सो मच दैट यू कैन कॉन्कर। जस्ट डोंट रेस्ट्रिक्ट योर सेल्फ, जस्ट डोंट होल्ड योर सेल्फ सो टाइट एट दिस पॉइंट। एट द सेम टाइम डू वॉट यू डूइंग विथ द काइंडनेस दैट यू आर शावरिंग अराउंड। तो ये चीज को बोलते हैं ना, इंसान जब ऊपर पहुंच जाता है तो दिमाग भी ऊपर पहुंच जाता है, वो नहीं होने देना है। अपने अपने जो कदम है वो जमीन पर ही रखने हैं। डोंट लेट योर हेड गो हाई एट ऑल एट द सेम टाइम। यू नो, शावर द काइंडनेस दैट यू ऑलवेज बिन शावरिंग, दैट इज योर प्लस पॉइंट, दैट गिव्स यू जॉय। तो ये अपने आप से ना छीने। सो इट्स सो मच दैट यूनिवर्स हैज फॉर यू इन अ बिट्स एंड पीसेस, कपल ऑफ चीजें हैं जो यूनिवर्स ने आपको बताया। सो आई फील यू वॉन्ट टू फोकस ऑन दैट, अंडरस्टैंड इट इज गोइंग टू जॉइन द डॉट्स, अंडरस्टैंड दैट, स्पीक अप, अंडरस्टैंड दैट, टेक चार्ज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डोंट हैव दीज बाउंड्रीज रिवॉल्विंग अराउंड यू एट द सेम टाइम, कीप शावरिंग द काइंडनेस दैट यू ऑलवेज डू। सो या, दैट्स अबाउट इट। आई होप दिस हेल्प्स, गिव्स यू क्लैरिटी। ऑल्सो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी। हैव अ ग्रेट वीक अहेड, गुड बाय। Hi Aquarius, Aquarius, I'm pulling out two tarot cards for you and one angel message. Aquarius, let's see what tarot and angels have for you, Aquarius. Aquarius, जो पहला कार्ड आया हुआ है वो बता रहा है आप बहुत ज़्यादा blindfolded हो for the week 16 to 22 January. I feel Aquarius, ये कार्ड बता रहा है थोड़ा सा decision making में problems आ रही है, थोड़ा सा decision making में complications आ रही है, but at the same time you need to understand that you have to like really be clear of your thoughts, you have to be really clear of what you want in life. मैं बताऊंगी क्यों के लिए ये भी कार्ड आया हुआ है हमारे पास, जिसका मतलब ये आप बहुत burden feel कर रहे हो, अब बहुत प्रेशर्ड फील करो। जितनी आपने एंजाइटी बना रखी हुई है ना चीज़ों के आसपास, वो एंजाइटी को रिलीज करो, वो बर्डन को निकालो अपने दिमाग से। ये बर्डन कोई काम का नहीं है। इस वक्त आपके तरफ सिर्फ नेगेटिविटी आ रही है, इस वक्त आपके तरफ सिर्फ यू नो, बहुत बहुत प्रेशर फील करो। प्रेशर से कोई काम नहीं होगा। सबसे पहले आपको एक्वेरियस ये जान लेना है, जितना प्रेशर से काम करने की कोशिश करोगे उतना ही आप अपने आप को डुबाते जाओगे, उतना ही आप अपने आप को पुश करते जाओगे इन अ जोन दैट यू डोंट वांट टू सी योरसेल्फ। सो आई फील सबसे पहले दिमाग से प्रेशर निकाले और फिर कोई भी डिसीजन लें, क्योंकि डिसीजन लेना ही पड़ेगा। ये हफ्ते आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साइमल्टेनियसली एंजल मैसेज जो आया है आपके लिए वो है रोमांटिक पार्टनर। एंजल्स आपको बता रहे हैं कि यू नो, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आपको आगे बढ़ने की यू नो, कैसे कहते हैं, मोटिवेशन दे रहे हैं। तो आप वो लीजिए। आप ना इस हफ्ते अपने पार्टनर पे, अपनी एनर्जीज पे डाउट मत करें, अपने रिलेशनशिप पे डाउट मत करें। एंजल्स आपको ये भी बताना है, सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है इस हफ्ते प्रोटेक्ट करना वो आपका रिलेशनशिप है। मेक श्योर यू आर ऑन द राइट पाथ, मेक श्योर यू आर ऑन द राइट ट्रैक।
सो या दिस इज वॉट यूनिवर्स हैज टू ऑफर यू. डोंट फील द बर्डन रिपीटिंग माई सेल्फ अगेन बिकॉज दिस इज अ वेरी वेरी स्ट्रांग कार्ड एंड यू रियली वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ दीज एनर्जीज. सो एक्वेरियस आई होप दिस हेल्प गिव यू क्लैरिटी. ऑल्सो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवेंट ऑलरेडी एंड हैव अ ग्रेट वीक अहेड. गुड बाय. हाई पाइसीज, पाइसीज में आप लोगों के लिए दो टैरो कार्ड और एक एंजल मैसेज पुल आउट करी हूँ. पाइसीज लेट्स सी वॉट यूनिवर्स हैज टू ऑफर यू. पाइसीज ओके, पाइसीज इट्स अ वीक फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज. पाइसीज अंडरस्टैंड कि ये हफ्ते आपको यू हैव टू मेक द मोस्ट ऑफ इट. आई फील अपॉर्चुनिटीज आपके सामने से आ रही है. आप बहुत अच्छे से तरक्की कर रहे हो, बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हो. आपने जिस हिसाब से अपना काम में फोकस किया, जिस हिसाब से आपने अपने विजन पे फोकस किया, अगर आप कंटिन्यूसली ये करते रहो तो आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे. इट्स जस्ट समथिंग दैट यू नो यूनिवर्स इज टेलिंग यू एट this point that keep going in the track or keep being in the path that you are already in. It is going to make a change, it is going to make a difference. Simultaneously मैं ये भी बता रही हूँ, पैसे में तरक्की देख रहे हैं हम, पैसे में ग्रोथ देख रहे. रिलेशनशिप को आप जैसे थाम के बैठे हो ना, बहुत स्ट्रांगली पकड़ के बैठे हो, कंटिन्यू डूइंग दैट. इवन इफ राइट नाउ ट्रस्ट मी द अदर पर्सन इज टेकिंग यू फॉर ग्रांटेड, आप जाने दो. ये हफ्ते उसको इतना इंपॉर्टेंस मत दो जितना आप दे रहे हो कि रिलेशनशिप को संभालना है, क्योंकि आपकी जो थिंकिंग है, जो आपका थॉट प्रोसेस है वो अमेजिंग है. एंड आई फील इट्स ओनली इंपॉर्टेंट फॉर यू टू टेक केयर ऑफ दिस, टू टेक केयर ऑफ दिस वाइब्रेशन. एंड यू आर रियली रियली गोइंग टू वर्क वंडर्स इन टर्म्स ऑफ वॉट एवर यू आर डूइंग दिस वीक. सो मैं बोल रही हूँ ये हफ्ता मतलब जान लगा दो यार, जो चीज में, चाहे पर्सनल लाइफ में, चाहे प्रोफेशनल लाइफ में, चाहे सेल्फ ग्रोथ में, अगर आप यू नो स्पिरिचुअलिटी में भी जा रहे हो, ये हफ्ते आपके लिए बहुत अमेजिंग होगा. मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत ज्यादा टाइम और एनर्जी डेडिकेट कर रहे हो जो भी चीज को, जो भी चीज पे आप ये हफ्ते टाइम और एनर्जी डेडिकेट कर रहे हो वो बहुत सफला काम होना है आपका. एक लिटरली लिटरली कोई भी ब्लॉकेज, कोई भी कमी नहीं होगी वहां पे. बस अपना टाइम और एनर्जी डेडिकेट करो. साथ ही साथ यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं स्टैंड योर ग्राउंड, डू व्हाट यू फील इज राइट, एंड लिटरली नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम रीचिंग द हाइट्स दैट यू वांट टू. एंड इट्स जस्ट एन अमेजिंग मैसेज दैट यूनिवर्स हैज टू ऑफर यू. सो आई होप पाइसीज यू हैव अ वंडरफुल वीक अहेड. ऑल्सो अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, गो हैड सब्सक्राइब एंड क्लिक द बेल आइकन. एंड यस, हैव अ ग्रेट वीक अहेड. गुड बाय.